योगी सरकार की चाल से यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट। योगी सरकार ने शिवपाल यादव पर कौन सी मेहरबानी की है? यूपी में बंगले को लेकर कई दिनों तक चले विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और अब इसमें नया सियासी ट्विस्ट आ गया है। यूपी सरकार ने शिवपाल यादव पर मेहरबानी दिखाते हुए उन्हें वो सरकारी बंगला रहने के लिए दे दिया है जो कुछ वक्त पहले तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास था। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। दरअसल यूपी राज्य संपत्ति विभाग ने एसपी से अलग होकर समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाने वाले शिवपाल यादव को नया बंगला आवंटित किया था। शिवपाल को एलबीएस 6 सरकारी बंगला दिया गया है। उन्हें ये बंगला बतौर विधायक आवंटित किया गया है। बंगले का आवंटन होने के बाद शिवपाल तत्काल बंगले में गए और वहाँ का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अब इस बंगले में शिवपाल अपनी पार्टी का दफ्तर बनाएंगे। मजेदार बात तो यह है कि शिवपाल को जो बंगला दिया गया है उसके कभी बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का दफ्तर हुआ करता था। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने इस पर काफी पैसा लगाया था। 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का ये बंगला काफी चर्चा में रहा था, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग के इस फैसले को सियासी नजरिए से देखा जाने लगा है। आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। ऐसे में शिवपाल पर प्रशासन की इस मेहरबानी से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश के खिलाफ शिवपाल को आगे बढ़ाकर बीजेपी यूपी में 2019 की सियासी जंग फतेह करना चाहती है। इतना ही नहीं, शिवपाल के नए मोर्चे गठन करने के पीछे भी बीजेपी का हाथ बताया जा रहा था। पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल को अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय करने की सलाह दी थी। एसपी के नेता रामगोपाल यादव भी इशारों में शिवपाल पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगा चुके हैं। यही वजह है कि योगी सरकार का ताज़ा फैसला चर्चा के केंद्र में आ गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।